और सवाल सीधे सीधे ये, आखिर रेत का सीना फाड़कर धरती पर आ गई ये जलधारा सरस्वती ही कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब इसरो, बार्क और ONGC के वैज्ञानिक दे रहे हैं। उनका मानना है कि जैसलमेर के पास धरती के नीचे से फूटा ये पानी करीब 10,000 साल पुराना है, यानी उतना ही पुराना जितनी पुरानी सरस्वती की कहानी है। क्या था कि रेगिस्तान में सैकड़ों फीट नीचे से निकल रहा पानी हजारों साल पहले विलुप्त हो गई सरस्वती नदी की हकीकत बयां कर रहा है? जिस जलधारा ने रेगिस्तान में हरियाली के फूल खिलाए, क्या वो उसी सरस्वती नदी का पानी है जिसकी चर्चा वेदों में भी की गई है? ये सवाल आपको रोमांचित करेंगे और शायद आप सच्चाई और किंवदंती के बीच उलझते नजर आएंगे, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिक ही बहुत हद तक इस उलझन को दूर कर रहे हैं। सरस्वती पे जो अपनी खोज चल रही है, भाभा एटॉमिक है या दूसरी इंस्टीट्यूट है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, काजरी लगी है, इन सब ने ये निकाल के कि सरस्वती यही इस इलाके में ही लुप्त हुई है। पानी की समस्या से निपटने के लिए 1999 में राजस्थान के भूजल विभाग ने इसरो के साथ मिलकर रेगिस्तान में खुदाई शुरू की। इसरो अपनी खोज से इस नतीजे पर पहुंचा कि जैसलमेर में जमीन के नीचे पानी के कई चैनल आपस में जुड़े हैं। उसी दौरान फोकस एनर्जी नाम की एक कंपनी ने लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में खुदाई की और पाया कि हर जगह पानी की धार और मिठास एक जैसी है। खास बात यह है कि वो पानी कोई संचित जल नहीं है। उसी दौरान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने सरस्वती नदी के वजूद पर सनसनीखेज खुलासा किया। उसके मुताबिक रेगिस्तानी इलाके में मिलने वाला पानी वैदिक काल का हो सकता है, यानी महाभारत से भी पहले का। अब एटॉमिक अनुसंधान संस्थान से भी इस पे काफी काम हुआ। उसकी जो पानी की जो एज थी, ट्रिटियम एनालिसिस की थी, रेडियो एक्टिव एनालिसिस की थी, वो भी देखी गई थी, वो भी काफी पुरानी आ रही थी। उसी बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि मे बी पॉसिबल है। इसरो और बार्क की तरह इसमें ONGC भी जुड़ा है। 4 साल की खुदाई में ONGC ने अब तक 12 कुएं खोदे हैं और उन सभी में एक जैसा ही पानी मिला है। साफ है कि पौराणिक मान्यता धीरे धीरे एक खुशनुमा सच्चाई की तरफ खिसक रही है। पिछले कई सालों से दर्जन भर संस्थाएं सरस्वती की खोज में लगी हैं। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी अनुसंधान में सरस्वती के नहीं होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके उलट सभी तरह के अनुसंधान में कहीं न कहीं सरस्वती के होने के प्रमाण मिले हैं। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जैसलमेर आज तक।